हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी टॉप टेक चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे जेकब कट ऑफ 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था, वह एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका भी है और आप लोग का जो अब आप लोग को वेट किसका है, आप लोग के आंसर की है। अब आप लोग को जो है आप लोग के आंसर की और जो है रिजल्ट का वेट है। देन उसके बाद जो है काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर की और रिजल्ट आने से पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि आप लोग का कट ऑफ कितना होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट की कट ऑफ जो डिस्कस करेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे जो ग्रुप हम यहाँ पे जो है ग्रुप ए से लेकर जो है ग्रुप के तक के जो है स्टूडेंट की मतलब जो है यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करेंगे और अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जेकब कट ऑफ है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया जेकब कट ऑफ 2024 विल बी रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट jacobadmission.nic.in। जब कट ऑफ आपका रिलीज किया जाएगा तो इस वेबसाइट पर आपका कट ऑफ जो रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग कट ऑफ जो डिस्कस करेंगे तो वह ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के का जो कट ऑफ है, इन इतने ग्रुप का जो कट ऑफ है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला दिया गया है ग्रुप ए से जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए ग्रुप ए से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका कट ऑफ जो है 71 है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 72, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 71 एंड एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 68 है, जो कि क्या है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अगर कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरकर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो उनका कट ऑफ जो है वह 76 है, किसका, जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का 74.3 एंड एससी का 71.6 और एसटी का कितना है 66.2। देन यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी के, तो यहाँ पे होम साइंस का दिया गया है ग्रुप सी से, जो मतलब फॉर्म फिल किए होंगे जो भी स्टूडेंट, जो भी गर्ल्स, तो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी और होम साइंस कोर्स और टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स के लिए जो कितना है कट ऑफ, यहाँ पे जनरल के लिए जो है पहला दिया है 75, सेकेंड है 70 एंड थर्ड है 80 एंड यहाँ पे जो है ओबीसी कैंडिडेट का दिया गया है 72.3, सेकेंड है 71.3 एंड लास्ट है 76.2। देन यहाँ पे दिया है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, आप लोग देख सकते हैं, और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग और यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग कोर्स के लिए जो 74 है, 70.1 ओबीसी वालों का है और एससी वालों का 68.7 और एसटी वालों का 64 है। यहाँ पे ग्रुप डी से डिस्कस करते हैं तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट की, तो जनरल वालों का 73 एंड 78 है, ओबीसी वालों का 68.5, 76.3 और जो एससी वालों का है 62.1, 74.5 और एसटी वालों का जो है 60 दिया है और 68 दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम ग्रुप ई की कट ऑफ डिस्कस करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट की, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट की जो कट ऑफ है जनरल स्टूडेंट की वह 74 है, जो कि जब आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा तो यह जो है 80 तक जा सकता है। कितना जा सकता है, 80 तक जा सकता है। और 74 किसका हो सकता है, ओबीसी वालों का 74 हो सकता है, जनरल वालों का 80 से लेकर 85, कितना 80 से 85 लेकर 85 तक जो है जा सकता है। 72.3 यहाँ पे दिया है ओबीसी वालों का, 69.5 दिया है एससी वालों का और 66 दिया है जो है एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की। तो कट ऑफ जो है वह नंबर ऑफ फॉर्म कितने पड़े हैं, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। देन यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी एफ ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे जो 62 है वह जनरल वालों का है, 60.3 कितना है ओबीसी वालों का और 60 जो है वह एससी वालों का, 50 किसका, एसटी कैंडिडेट का। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए के लिए जो है 68 है जनरल का, 66.3 है ओबीसी का, 65 है एससी का और 56 है एसटी का। पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का 80 दिया है जनरल वालों का, 73.3 है जो है, 78.3 किसका है जो है ओबीसी का और 75 है एससी का और 70 है एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट का। देन यहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर सर्विस मैनेजमेंट दिया गया है, आप लोग हम इसको थोड़ा देर ऐसे रोके रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर का, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया, जो कि पहला एस जनरल का है, दूसरा वाला ओबीसी का है, किसका है, ओबीसी का है, पहला किसका है जनरल का है और तीसरा वाला यहाँ पे जो दिया गया है वह एससी का है और चौथा वाला जो है वह एसटी कैंडिडेट का है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का दिया गया है। देन यहाँ पे ग्रुप जी से डिस्कस करते हैं तो पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग,
यहाँ पे जो है अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट की जो है कट ऑफ दिया गया है, जो कि कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 76 दिया है जनरल कैटेगरी का, 76 है ओबीसी का, 69 जो है एससी का, और 66.6 किसका है, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट का दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके अपना कट ऑफ देख सकते हैं। देन यहाँ पे जो अनदर कोर्सेज का भी दिया गया, और यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का 84 दिया गया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट जो कि ग्रुप आई से बिलोंग करता है कोर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एविएशन। तो 88 किसका है, जनरल का, 70 है इस कोर्स का जो जनरल का, 83 है ओबीसी का, 68.3 है ओबीसी का, एससी का 77 एंड 64 दिया है, एसटी का दिया है 77.6 और जो 61.6। और यहाँ पे ग्रुप जे की बात करते हैं तो पोस्ट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है 60 है किसका, जनरल का, 63.3 है ओबीसी का, 58.5 है एससी का और 54.6 है एसटी का। देन यहाँ पे के ग्रुप से डिस्कस करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मतलब कि लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के बारे में जो कि सेकेंड ईयर में एडमिशन पाएंगे, तो उनका जो यहाँ पे 69 दिया है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का, 64.3 है जो ओबीसी का, 61.5 है एससी का और 55.6 है एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट का यहाँ पे दिया गया है। तो यह सभी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए आपका जो है काउंसलिंग के लिए, जो काउंसलिंग कराने के लिए, किसके लिए काउंसलिंग, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग के लिए जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए वह 77.3 होना चाहिए और ओबीसी का 77 होना चाहिए, एससी एसटी का 68.6 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा डाटा दिया गया है, यह जो है एकदम करेक्ट डाटा दिया गया है। जो यहाँ पे हमने ऊपर कट ऑफ डिस्कस किया आप सभी का, यहाँ पे जो कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस किए हैं हम ग्रुप ई वगैरह का, जैसे यहाँ पे ग्रुप ई का देख सकते हैं दिया गया डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो 74 जो दिया गया है या ओबीसी का हो सकता है जब आपका कट ऑफ जारी किया जाए, और जो जनरल का होगा वह 80 से लेके कितना जाएगा 85 तक, और जो यहाँ पे जो है एससी का जो रहेगा वह हो जाएगा जो 65 हो जाएगा या 68 तक जा सकता है, और जो एसटी का है वह जो 65 तक जा सकता है, 65 तक जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी टॉप टेक, जुड़े रहिए माई चैनल बायोलॉजी टॉप टेक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।